हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है क्या? कि रेंसिडिटी को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, ऐसा फूड आइटम जो फूड आइटम घरों में प्रिपेयर किया जाता है, किसमें? ऑयल और फैट में। आयल्स और फैट दोज फूड आइटम, आयल एंड फैट, कि दोज फूड आइटम विच इज प्रिपेयर बाय द आयल एंड फैट, इफ वी पुट ए कंसिडरेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द फूड बिकेम टू स्पॉयल। फूड कैसा हो जाता है? स्पॉयल हो जाता है, बेकार। फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द फूड बिकेम टू स्पॉयल एंड ए अनप्लीजेंट स्मेल कम्स फ्रॉम दिस फूड आइटम। फूड को फैट और ऑयल में प्रिपेयर किया गया हो और उसको लंबे समय तक रखा गया हो, तो लंबे समय तक रखने के बाद वो फूड कैसा हो जाता है? स्पॉयल हो जाता है और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल फूड से आना शुरू हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेंसिडिटी। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? रेंसिडिटी। होता क्या है कि जो फूड आइटम हम प्रिपेयर करते हैं फैट और ऑयल में, तो जब उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो वह एटमॉस्फियर के ऑक्सीजन के द्वारा वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। दैट फूड आइटम कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड गेट्स टू ऑक्सीडाइज। किसमें चल जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद उस फूड आइटम से अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं रेंसिडिटी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रीगंधिता, VIKRI। ठीक है ना, VIKRI, GANDHITA, GANDHITA, विक्रीगंधिता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आप क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो ऐसा फूड आइटम जो ऑयल और फैट में प्रिपेयर किया गया हो उसको लॉन्गर टाइम तक रखने पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो फूड स्पॉल हो जाता है और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल निकलना शुरू हो जाता है, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि यह फूड रेंसिडिटी हो गया है। फूड बिकेम टू रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी। अब इसका एक्चुअल में डिफिनेशन क्या बनाएंगे? इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, सूटेबल डिफिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? The condition produced by the aerial oxidation, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, aerial ऑक्सीडेशन, द कंडीशन प्रोड्यूस बाई द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट क्या? अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट।
अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो डिफिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है कि द एरियल द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड आयल्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। मतलब ये कह रहा है फैट एंड आयल इन फूड लिख दो, इन फूड हो जाएगा, इन फूड मार्क्ड बाय, इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। कि यहां ऐसे हम इसको डिफिनेशन बना सकते हैं, द एरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड, द एरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड एंड दिस फूड इज मेड बाय फैट एंड आयल्स। द एरियल क्या बोले हम कि द एरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड एंड दिस फूड इज मेड बाय फैट एंड आयल्स देन ए अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट कम्स आउट फ्रॉम दिस फूड आइटम तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसको क्या बोल सकते हैं हम, रेंसिडिटी बोल सकते हैं। एक ऐसा फूड आइटम जो फैट और आयल में फ्राई किया गया हो उसको एक लॉन्गर समय तक, एक लंबे समय तक अगर उसको रख दिया जाए तो एटमॉस्फियर के ऑक्सीजन के द्वारा वह ऑक्सीडाइज होकर के अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आना उस फूड से शुरू हो जाए तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और हिंदी में इसी को बोलते हैं हम बिक्री गंधिता बोलते हैं। अब आता है कि रेंसिडिटी को कैसे हम रोक सकते हैं, हाउ वी कैन, लिख सकते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रोल द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया सकता है तो बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड है बाय एडिंग द एंटी ऑक्सीडेंट बाय एडिंग द एंटी ऑक्सीडेंट विथ फूड, बाय एडिंग द एंटी ऑक्सीडेंट विथ फूड, विथ फूड आइटम। इसमें अगर फूड के साथ एंटी ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करने वाला सब्सटेंस, मतलब क्या कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करने वाला सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट को अगर फूड आइटम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उस फूड को स्पॉइल होने से सेफ रख सकता है, मतलब उसमें एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। इसमें दो चीज आते हैं BHA एंड BHT। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और दूसरा BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो किसी भी फूड आइटम के साथ जो ऑयल और फैट से फ्राई किया गया है उसके साथ अगर इसको मिक्स करके रख दिया जाए फूड आइटम के साथ तो वह फूड को लॉन्गर टाइम तक सेफ रख सकता है फ्रॉम द रेंसिडिटी से। इसलिए BHA और BHT को बोलते हैं हम एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस। दूसरा है जिसके द्वारा हम फूड आइटम को लंबे समय तक रख सकते हैं, कैसे, बाय रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई
पैकिंग पैकिंग किसके थ्रू पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस ऐसे फूड आइटम जो ऑयल और फैट के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो उस फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में उसको अगर रख दें तो वह नाइट्रोजन गैस क्या है इनर्ट गैस है नाइट्रोजन गैस क्या है इनर्ट गैस है वह ऑक्सीजन से सेफ रखेगा और काफी लंबे समय तक जो है वह फूड आइटम बिल्कुल रेंसिडिटी से बच सकता है। तीसरा है कि फूड आइटम को हम किस में रख दें रेफ्रिजरेटर में कीपिंग फूड आइटम कीपिंग रेफ्रिजरेटर। तीसरा है फूड आइटम कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर। अगर फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान क्या होता है लो होता है बहुत ही अंदर का टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वो फूड आइटम को लंबे समय तक जो है रेंसिडिटी से सेफ रख के रख सकता है। अगला है फूड आइटम कैन बी केप्ट किसमें केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर में एक ऐसे कंटेनर में रखा जाए जहाँ पे एयर एंटर ही न करने पाए क्योंकि एयर के साथ क्या ऑक्सीजन है ऑक्सीजन एंटर करेगा तो फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम करते क्या है कि फूड आइटम को कोई जो ऐसा फूड जो फूड आइटम जो ऑयल और फैट के द्वारा फ्राई किया गया हो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि ऑक्सीजन उसमें एंटर न कर पाए तभी वो फूड आइटम काफ़ी समय तक जो है सेफ रख सकते हैं। ठीक है ना। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके द्वारा हम रेंसिडिटी से फूड आइटम को पूरी तरीके से सेफ रख सकते हैं। ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके दैट्स ऑल्सो।